अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मतलब भाई सेकंड वीडियो है, इसमें बात करेंगे हम लोग जैसे गुजरात मॉडल एक हिट हुआ था। जी जी जी, तो वही तर्ज पे आप लोग भी यहाँ पर एक मॉडल रन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप राजस्थान मॉडल भी बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकते हैं, गुजरात मॉडल से काफी मिलता जुलता है। हाँ हाँ, लेकिन ये गुजरात मॉडल के लिए काम कर रहा है बेसिकली। हाँ हाँ, तो जो छोटे बच्चे जाहिर सी बात है यहीं से जाते हैं, सब जगह राजस्थान से जाते हैं, फिर वो लोग वहाँ पर पालते पोसते हैं उनको। बिल्कुल, वजन लेते हैं और आगे रिटेल भी करते हैं और होलसेल भी करते हैं फार्म। तो आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे फरूख खोला खोल लो, कैसा कर रहे हो थोड़ा बताओ लोग। आसिम भाई, जैसे अभी गुजरात वाला आया, ये अभी आप बकरे दिखाओगे, वो आए यहाँ, रेट फाइनल हो गई। एवरेज जैसे 30 किलो का बकरा लिया मेरे से उन्होंने। क्या वजन के बकरे लेते हो लोग? 30 किलो 35 किलो के बाद। हाँ, फिर उन एक रफ पेमेंट कर देते हैं, जैसे 70% पेमेंट कर दिया उन्होंने। 50 बकरे लिए? हाँ, अभी जैसे अभी 100 बकरे लिए। अब 100 बकरे लेके उन्होंने पहले, या 100 बकरों में से 5 बकरे उन्होंने निकाल दिए, या 4, जो भी 5-4 बकरे निकाल देते हैं, फिर वैक्सीन करना मेरे अंदर रहता है। अच्छा। पंच मार देता हूँ। हाँ। फिर एक महीना 2 महीना बकरे यहाँ सेट होते हैं, उसमें मोर्टेलिटी मेरी है, अगर मर गया तो वेट ऑन डिलीवरी पे मैं भरता हूँ, पैसा नहीं देना। हाँ, उसमें ना पलाई 20 किलो का आया, अगर 50 किलो भी हो गए बकरे, हाँ हाँ, तो बस आपको ऊपर के वजन का पैसा देना है। बस 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 बस, और बकरे मर भी गए तो उनका कुछ भी नहीं। हाँ, वो मरेगा जो मेरा मरेगा। अभी है गुजरात मॉडल। क्या बात है, ये बकरे आपने 30 किलो पे बेचे थे? ये 30 किलो पे बेचे थे। 50 किलो के बकरे कितना टाइम हो गया बेच के? 2 महीने हो गए आसिफ भाई। इसमें होता क्या है, दोनों का फायदा है। हाँ, उसका भी, खरीदार का भी और बेचने वाले का, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस बस, अमी नेता बरकत भाई, आप आ जाओ, उठ के इनके बीच में आ जाओ, एक जेल में। तो आप बेसिकली गुजरात मॉडल वालों को पहले से यहाँ सेट करके दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में मैंने बहुत माल दिया, दे रहा हूँ। अभी भी मेरे पास गुजराती ऑर्डर है, लेकिन बारिश में ले नहीं रहा हूँ मैं। तो ऐसे तो मतलब बॉम्बे वाले भी आपसे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि तो सेफ बिजनेस है, मतलब लॉस नहीं है अल्लाह के हुक्म से। हाँ, इसमें कोई लॉस नहीं है। और क्या रेट में देते हो आप ऐसे बच्चे? अब आसिम भाई, इसमें ये जो फार्म वाले ले रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा मेरे को बोला कि बरकत भाई, मेरी जो रेट है, आगे सेलिंग करना उनको। अगर किसी को रेट चाहिए तो फोन करके मेरे से रेट मांग सकते हैं। तो अगर कोई बकरे देता है 20, 50, 700, 150, 200, पालोगे, सेट करेंगे, वैक्सीन लगाने का कोई डेट फिक्स नहीं है? कोई डेट फिक्स नहीं, बाद भी लेके जा सकते। हाँ हाँ, है ना। हाँ, बस वो जो वेट आएगा उसका पैसा देना, उसका पैसा देना। और अगर 50 बकरे खरीदे हो, एक एग्जांपल 5 मर भी गए, हाँ, तो आपको 45 बकरों का जो वजन बन रहा है। आसिम भाई, 10-10, 15-15 बकरे भी मरे मेरे सेट करने में हो रहा है। सफान भाई को बकरे दिए थे, आपको पता, मोडासा को, उसमें मेरे 15 बकरे मरे थे। उसका तो कोई पैसा नहीं, उसका मेरे को पैसा नहीं मिला, लेकिन उनको जो माल वापस सेट करके दिया, वहां जाने के बाद एक बकरा नहीं मरा। सपान भी अगर ये वीडियो देखे तो कमेंट कर सकते, कमेंट कर सकते, अगर हक है तो उसको हक, नहीं हक में। ठीक है, आ जाओ तुम, इधर आ जाओ, हम ना आ जा, ऐसा आ जा। तो जिसको भी बिजनेस करना है आपके साथ में कर सकते हैं। जी जी, बकरे आपसे खरीदने पड़ेंगे? हाँ, अगर वेट ऑन डिलीवरी का काम है तो मेरे से, क्योंकि आगे से मंडी से लिए हुए है, कहाँ से लिए हुए कोई पता नहीं रहता। आगे के भी अगर कोई पलवाता है तो फिर वो पलाई का पैसा देना पड़ेगा। अगर दूसरी जगह से बकरे लेके यहाँ भेज रहे हैं, दूसरी जगह से बकरे यहाँ भेज रहे हैं, तो पलाई पे रख सकता हूँ 1800 रुपये से। 1800 रुपये से? हाँ हाँ, अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो एक बार बात कर सकते। जी जी, अब कुछ कमेंट कहते हैं कि पलाई नहीं है, अच्छी नहीं है, वो नहीं है, तो ये रिजल्ट जो है सामने, अब लोग बोलने को कुछ भी बोले, लोग देखो ये, और वो तो फार्म वाले का नाम नहीं ले रहे हम जिसके बकरे हैं, पर ये 100% गुजरात के लिए बकरे यहाँ तैयार हो। हाँ, ये तो आपको पता ही है किसके बकरे हैं, वो तो सही है, हमारे भाई के बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, तो अल्लाह और बरकत दे। देखिए, बारिश का टाइम है तो लोग सोचते हैं यही रहेंगे अभी। हाँ, बस बस, फार्म पे लेके जाके तैयारी करें। हाँ हाँ हाँ, पर जो रेट में उन्होंने फाइनलाइज किया है, हाँ, वो तामझाम ना करते हुए अगर यहीं भी पलवा ले तो भी फायदा है। अब देखो, उनकी मर्जी है, क्योंकि अपन ने तो कह दिया भाई, जब आपकी मर्जी है तब ले जाओ। एक बार आपका नंबर बोल दे, 9829113717। और फारूक भाई का नंबर याद है आपको? हाँ,
5212-1561। जान दो इनको फारूक भाई, हमें गल दो, हमें गल दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।